चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज है संडे। ये देखो पापा जी, पापा आए बोल दो सबको। हाय बाय। हाय बाय। पापा जादू से लग रही। और ये मम्मी जी, मम्मी जी क्या कर रही हो अभी सुबह सुबह? सुबह सुबह तो 3 बजे उठ जाओ बस, फिर दोबारा सो जाओ। अच्छा। मुझे तो चाय बना देती मम्मी, ठंडी लग रही है। झाड़ू लगा के वॉशरूम में तो माता जी है। माता जी चल ठीक, दादी जी पा। और इधर पारुल कर रही है पूजा। जय हो उस भी देवी देवताओं। और इधर मार रही है मम्मी जी झाड़ू। सुबह काम हमारे चालू हो चुके। माँ जी आ गई हैं। माँ जी हाय कर दो सबको। हाय। हाय हाय। और दोस्तों सुबह की गर्मा गर्म चाय रेडी है और साथ में है रस। थोड़ी खाओ ना चाय पिए। थोड़ी चाय खाता हूँ मैं, पीता है। थोड़ी चाय पीता हूँ मैं। ओके। अदरक वदरक भी डाला मम्मी जी इसमें। और बिस्किट नहीं है, चाय का मसाला रस है बेटे। बिस्किट नहीं खाई करते, मीठे हूँ। अच्छा, और आज तो क्या बनाओगी? गाजर का हलवा बनाओगी? हाँ आज बनाऊंगी गाजर का हलवा। शाम को बनाओगी? अभी शाम को बना दूंगी। शाम को? हाँ। चलो ठीक है, तो पीजिए दोस्तों सुबह की चाय और खाइए साथ में रस्क। और अब मैं भी खाता हूँ। और दोस्तों पापा जी ने और मैंने आज प्रोग्राम बनाया है दिल्ली जाने का, और वहाँ पर हमें कुछ सामान भी लाना है और साथ में जाएंगे हम नेशनल जूलॉजिकल पार्क। टिकटें हमने बुक कर ली हैं और जो हमारी टाइमिंग है 12:30 से 4:30 है, क्योंकि जो जू है शायद वो 5 बजे तक ही खुलता है और 2 स्लॉट में वहाँ पर बुकिंग होती है, एक सुबह के टाइम एक दोपहर के टाइम। जो सुबह की टाइमिंग है वो 8:30 से 12:30 है और उसके बाद है 12:30 से 4:30, तो हमने 12:30 से 4:30 वाला स्लॉट बुक किया है। तो अब यहाँ से हम निकल जाएंगे घर से लगभग 10 से 10:30 बजे, ताकि हम सही टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाएँ। और दोस्तों पापा और मैं रेडी हो चुके हैं, बस अब निकल रहे हैं। यहाँ से जाएंगे मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन में उतरेंगे हम सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले प्रगति मैदान था, अब उनका नाम चेंज होकर सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। और वहाँ पर उतर कर फिर हम लेंगे बस, और बस से जाएंगे नेशनल जूलॉजिक पार्क। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं और मेट्रो में पहुंच कर आपसे बात करता हूं। पापा जी भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन, अभी यहां से टिकट लेंगे हम सुप्रीम कोर्ट। ये रहा मेट्रो स्टेशन, आगे है टिकट काउंटर। इधर था पहले साइड में। अरे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों, इसमें खड़ा होना पड़ेगा। और दोस्तों टोकन हमने ले लिया है, अब जा रही हैं हम मेट्रो में और वहाँ से हम सीधा उतरेंगे प्रगति मैदान, फिर वहाँ से बस पकड़ के सीधा अपना जू। ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, बस टोकन की लाइन में ही भीड़ थी, यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। अब चल रहे हैं ऊपर हम, क्योंकि जो मेट्रो आएगी ऊपर ही है। ये हम एस्केलेटर पे चढ़ गए। ये हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ से अब एंट्री है। ये हमने एंट्री कर लिया है। और दोस्तों मैंने तो एंट्री कर लिया, पापा रह गए, कुछ कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, वो चेक करवा रहे हैं क्या प्रॉब्लम आई है टोकन में। और दोस्तों मेट्रो आ गई, अब हम एंट्री कर रहे हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम बैठ गए यहाँ पे आराम से पापा और मैं, बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों मेट्रो में हम बैठ चुके हैं, अब जब प्रगति मैदान पहुँच जाएंगे फिर आगे दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये है गाज़ियाबाद का वैशाली मेट्रो स्टेशन। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं आप, पूरा वैशाली है और अच्छी धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है।
मेट्रो हमारी फुल स्पीड पकड़ चुकी है। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, पहले इसका नाम था प्रगति मैदान, लेकिन अब इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, तो प्रगति मैदान से सही सुप्रीम कोर्ट नाम लगा तो इसे चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे हम एग्ज़िट करके बस पकड़ेंगे ज़ू के लिए। और यहाँ पे दोस्तों छोले भटूरे की भी दुकान है, इधर चाट भी है, इधर मटर कुलचे भी हैं। पहले हम खा रहे हैं छोले भटूरे और उसके बाद खाएंगे मटर कुलचे जो कि उधर है। लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म छोले भटूरे, पहले आप खाइए फिर हम खाते हैं। और दोस्तों छोले भटूरे में ही पेट भर गया है तो हमने कुलचे छोले नहीं खाए, तो अब हम जा रहे हैं बस से चिड़ियाघर। और दोस्तों बस में हम बैठ चुके हैं, पापा जी बैठे हैं और हम जाएंगे नेशनल स्टेडियम तक, वहाँ उतर जाएंगे, फिर वहाँ से नेशनल जूलॉजी पार्क। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नेशनल स्टेडियम, अब यहाँ से 700-800 मीटर दूर है बस, वहाँ थोड़ा सा पांव चलेंगे। वाह कितनी अच्छी झील है। और ये हम ज़ू के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाहर खाने का भी है सब। और इधर वो आप देख सकते हो टिकट काउंटर है, टिकट हमने ऑनलाइन कर ली थी, बस हमें एंट्री करनी है। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। और हमें तो दोस्तों एंट्री गेट ही नहीं मिल रहा है, अरे आप देख सकते हैं सामने पुराना किला भी है, कितना अच्छा लग रहा है पुराना किला, तो आप देखिए जमा करवा दीजिए। अरे पीछे भोंपू बज रहा है हमारे, अरे सब बैठे हैं। एंट्री गेट पूछता हूँ मैं किसी से कहाँ पे, अब वो रहा एंट्री गेट दिख रखा है, एंट्री आपको भी शायद दिख गया होगा, वहाँ से हम एंट्री करते हैं। अरे दोस्तों हमने एंट्री कर लिया है, ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री शुरू हो चुकी है। एंट्री में बहुत टाइम लग गया हमें, कम से कम 15 मिनट लगे। इधर पापा जी आ रहे हैं, अंदर से देखते हैं अब यहाँ कहाँ कहाँ जाना है, हमें मैप देखना पड़ेगा इसके लिए पहले हैं। अरे ये देख सकते हैं आप कितना सुकून है यहाँ पर, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे, इधर फाउंटेन भी चल रहे हैं। ठंड में फाउंटेन, वैसी ठंड लग रही है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा फाउंटेन चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो अब आगे चलते हैं क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले है यहाँ पर ब्लैक स्वैन, वो रहा वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक स्वैन, आगे से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको दिख नहीं पाएगा, अब अच्छे से देख सकते हैं ब्लैक स्वैन को कितना प्यारा लग रहा है ना। अब जो हमें आगे देखने को मिलेगा वो है नीलगाय, पाड़ा हिरन, कृष्ण मृग, जल पक्षी और शेर पूंछ बंदर। चलो देखते हैं हम आगे। और ये बैठी है नीलगाय, कितने सारी बैठी हैं यहाँ पे, आगे की तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से सही नहीं दिख रही होंगी। ये देखिए अब आराम से नीलगाय, सबसे पहले नीलगाय थी वही हमने देख लिए हैं, अब आगे चलते हैं यहाँ से। और ये कितनी सारी चील उड़ रही हैं ऊपर, पता नहीं क्यों उड़ रही हैं,
बहुत सारी चील है। ये देखिए पेड़ पर कितने सारे बगुले बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, कैमरे में इतने बड़े नहीं दिख रहे। ये देखिए ऊपर चील, नीचे बगुले और इसके नीचे पानी। ये दिख रहे होंगे आपको सही से, कितनी बड़ी बड़ी चोंच है इनकी, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ आगे मिलेगा शेर पूंछ बंदर, बोनट बंदर, पाड़ा हिरन, सिक्का हिरन, सांबर हिरन, मतलब एक तरह से बंदर और हिरन मिलेंगे हमें आगे। यहाँ पे है हमारे शेर पूंछ बंदर, देखते हैं पीछे इस पेड़ के, अभी देखा था मैं उधर गया। ये रहा आपका शेर पूंछ बंदर, उधर भाग गया। अब एक ये बैठा है, ये देख सकते हैं आप, ये बैठा है दीवार में, ये बैठा सामने हमारी तरफ ही देख रहा है, और पूंछ भी दिख रही है आपको, पूंछ दिख रही होगी, उसके पीछे भी बैठा है, वो देखो आप लटक रहा है, पता नहीं कैसे लटक रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दिख रही है पूंछ भी दिख रही है, अंदर घुसा हुआ है कहीं पे। एक हो रहा आपको ये देखिए, यहाँ दिख सकता है आपको, ये रहा लकड़ी पे, और है यार दो होगी ना इधर। ये दूसरा बंदर है, ये ब्राउन कलर का, ये आ गया ऊपर, अंदर भाग गया वो जा रहा है अंदर। और यहाँ पे है बोनेट बंदर, बोनेट बंदर वो बैठा है आपको ऊपर अगर दिख पाया हो, ये रहा ये बैठा है बोनेट बंदर। और यहाँ पे है हॉग डीर पाड़ा, ये देख सकते हैं आप हॉग डीर, ये देखिए यहाँ पे साफ दिख रहे हैं हॉग डीर, इधर भी हैं कुछ, वो थोड़ा दूर है, वो आ रहा है। और ये रहा छोटे वाले हिरन, छोटे हिरन है पाड़ा हिरन हॉग डीर। यहाँ पे हैं बारह सिंगा, देख सकते हैं आप, कुछ बिना ये सींग वाले हैं तो कुछ सींग वाले हैं, एक है यहाँ पे बारह सिंगा देख सकते हैं सामने, ये बारह सिंगा लड़ाई करने वाले हैं दोनों, देखो ये 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 जो मैंने आपको भी दिखाए वो सांबर हिरन थे, और कुछ समय बारह सिंगा भी थे। अब दोस्तों हिरन बंदर नीलगाय के बाद हम देखेंगे गौर, छोटी बिल्लियां बिलाव, कक्कड़ हिरन, चीतल हिरन, ये आगे की तरफ है, और यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए भी है कुछ खाना जिसे खा सकते हैं, तो आगे चलते हैं हम। ये है दोस्तों कृष्ण मृग, ये दोस्तों कितने सारे हिरन एक ही जगह पर, कितने सारे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और यहाँ पे है दोस्तों गोर, गोर है कहाँ पे है, आगे से दिखा यहाँ दिख नहीं रहे, वो ही दिख रहे हैं और तो कुछ दिखा नहीं, लिखा है दोस्तों गोर बट है यहाँ पे मोर। ये तो बड़ा अजीब है, मोर क्या हुआ है तो पता नहीं, होता तो इतना बड़ा दिखता नहीं है, गोर की जगह रखे हैं मोर, आपको दिख गया होगा
ये देखिए मोर, ये रहा मोर।